ये हमारा जो चैप्टर है भोपत का, उसमें अगला बिंदु आता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जो लिखा होता है ना उसको सही से समझना स्टार्ट करो कि लिखा क्या है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, एक चीज तो लिखी हुई है दो चरों में, ठीक है, दो चर की बात की गई है। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एक चर की बात किया करते थे। तो दो चर में क्या जाता है, एक तो चर आ जाता है आपका एक्स, एक आ जाता है वाई। एक्स और वाई बस यही आएगा, एक्स और वाई को छोड़ करके कुछ भी तो आ सकता है यार, यू और वी भी आ सकता है। ये ट्रेडिशनली हम लोग आमतौर पर एक्स और वाई लेकर के ही काम करते आए हैं, ठीक। अभी क्या हो गया, उसके बाद रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, रैखिक देखिए याद करिए, जब हम लोग रैखिक बहुपद पढ़ा हुआ था तो बहुपद तब होता था रैखिक जब जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा चर है उसकी घात एक हो। लेकिन यहां पर कितने चर हैं, दो चर हैं, तो दोनों में जो हमारा चर है उसकी घात एक हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। और क्या करना है, मैं युग्म की बात कर रहा है, यानी कि हम दो समीकरण की बात कर रहे हैं। उससे पहले भी क्या है, समीकरण। समीकरण में क्या करते हैं, कुछ हम इधर लिखते हैं उसके बराबर कर देते हैं और कुछ इधर लिख देते हैं। तो समीकरण में एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। अब मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लिखा, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे लिख दिया क्या, 2x + 3y = 5, ठीक, ये एक समीकरण हो गया, हो गया। लेकिन हम यहाँ पर एक समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, दो चर है, देखो दो चर है, रैखिक है, रैखिक है क्योंकि दोनों की घात एक है, ठीक। समीकरण है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, बायां पक्ष कुछ है, दायां पक्ष कुछ है, तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण। लेकिन युग्म की बात की गई है, युग्म मतलब ऐसे दो चीजें हम बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा कुछ हो सकता है, 4x + 7y = 12। तो जब दो इस तरह का हम कुछ युग्म बना लेते हैं उसकी यहां पर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या समझाना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या था, किसका, दो चरों में, तो दो चर होंगे, उसके बाद से रैखिक यानी कि घात एक ही होगी, फिर समीकरण तो कोई बायां पक्ष होगा, फिर कुछ दायां पक्ष होगा, और युग्म यानी कि ऐसे दो समीकरणों की हम बात करेंगे। तो हमारा एक ये समीकरण हो जाता है, इसका नाम हमने दे दिया ए, एक ये हो जाता है, इसका नाम दे दिया बी। ये हमारी अभी तक शुरुआत की बात है, सबको जो टॉपिक है वो समझाना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसी समीकरण में देखेंगे कि कौन सी चीज है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। अच्छा, संतुष्ट का क्या मतलब हुआ कि यहां पर मान लेते हैं कि हम एक्स का मान क्या रख देते हैं, एक रख देते हैं, और वाई का मान क्या रख देते हैं, वाई का मान भी एक रख देते हैं। तो आप दो में एक्स से गुणा करोगे एक मिलेगा, फिर तीन में आप फिर से एक्स से गुणा करोगे, क्यों, क्योंकि तीन में वाई से गुणा किया गया ना, वाई का गुणा कहां पे किया गया, तीन में। तो आप जोड़िए इसको, क्या मिल जाएगा, इसको हल करिए, तो 2 + 3 ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो आपका ये 5 कहां पर आया, ये वाला पक्ष 5 हो गया, और इधर तो पहले से ही 5 है, इसका मतलब 5 और 5 बराबर हो गया, इसका मतलब एक्स बराबर एक और वाई बराबर एक, ये इस समीकरण का एक हल है। क्या है, हल है, हल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को एक केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन एक विलयन बनाते हैं, उसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन वो वाला सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन का मतलब हल भी होता है, ठीक। अभी एक ये बात हो गई। अच्छा, जैसे कि ये है इसमें, अच्छा एक चीज और करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, एक्स का आप कोई भी मान रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, एक्स आपने मान रख दिया एक, ठीक, y का मान आपको नहीं पता है, अब आप यहां से y का मान निकालिए, तो y का मान क्या हो जाएगा, 12 में से आप 4 ही वाले उधर जाएंगे तो घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 8। तो यहां से जो y मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 8/7, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x 1 है तो y कितना होगा, 8/7 होगा। दूसरा कुछ भी करके देखते हैं, इस बार क्या कर रहा है, आपने x का मान जो है वो 0 रख दिया, कितना रख दिया, 0, तो 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा राजा बाबू, कुछ भी किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा आपका 12/7, ठीक। इसका मतलब जब एक्स कितना है, 0, तो वाई 12/7 होगा, तभी यह समीकरण संतुष्ट होगा। अब ऐसा है कि जब हम इसको कार्तीय तल पर बनाते हैं, किस पर बनाते हैं, कार्तीय तल, याद करिए पुराने चैप्टर से, पिछले अध्याय में हम लोगों ने कार्तीय तल की बात की थी, जहां पर इसको हम लोग वाई एक्स मान लेते थे और ये वाई वाई प्राइम कर देते थे, इसको एक्स और एक्स प्राइम लिख देते थे। यहां पर यह किसी रेखा को रिप्रेजेंट करता है, किसी रेखा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, क्या, जब हमारा एक रैखिक समीकरण है, तो एक रेखा हमारी ये हो गई, दूसरी रेखा हमारी ये हो गई। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये होगा, अच्छा ऐसा सोचिए, अभी ये सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एक रेखा होगी, दूसरा वाला कोई दूसरी रेखा बनाएगा, ऐसे, ठीक। अब एक मिनट के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए, ये दोनों रेखा यहां पर काट रही है, इस बिंदु पर कट कर रही है कि नहीं कर रही है, और ये बिंदु इस वाली लाइन पर भी है और इस वाली लाइन पर भी है,
देखो दोनों पर है कि नहीं है, और इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों ही रेखाओं को इस वाले पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसमें एक्स अक्ष का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का जो मान होगा और वाई का जो मान होगा, वो दोनों ही लाइंस पर आ रहा है ना। कोई भी कुछ भी बना लीजिए ना, कैसी भी दो रेखा बना लीजिए, ये दो रेखाएं हैं जहां पर कट कर रही है वो देखो बिंदु दोनों में है। ऐसा तो नहीं आप बोलोगे कि नहीं इसी वाली लाइन पर ये बिंदु है, अरे इस पे भी तो है तभी तो वो कट किया है, नहीं तो वो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग प्रयोग कब करेंगे, जब हम इन रेखाओं के हल निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो हल निकाला था, देखो ये जो हल निकाला था हम लोगों ने कि x एक है और y एक है, ये इस रेखा के लिए है, और यहां से हम लोगों ने क्या समझा, इस वाली रेखा के लिए जब x एक है तो y आपको मिला 8/7, जब यहां से x 0 है तो y मिला आपको 12/7। तो ऐसे तो आपको अनंत बिंदु ऐसे मिल जाएंगे, क्यों, किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु होते ही हैं, तो ऐसे अनंत बिंदु मिलेंगे जो किसी एक समीकरण को क्या कर रहे होंगे, एक समीकरण को संतुष्ट कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे अनंत बिंदु मिल जाएंगे, लेकिन हमें वो बिंदु नॉर्मली ढूंढना होता है जो इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे। तो जब उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आने की ज्यामितीय स्वरूप आएगा, उसमें यहां पर हमें कटने वाला पॉइंट मिलेगा, और ये हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, ऐसे ऊपर ऊपर से देखने के लिए दिखा दिया है, तो जिसको समझ में नहीं आया घबराना नहीं, लेकिन इसमें वो पॉइंट्स कवर कर लिए जो हम इसमें करने वाले हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।